ॐ श्री परमात्मने नमः अथ नवमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मृत्युसंसारवर्त्मनि इदं ब्रह्मज्ञानं वक्ष्यमाणं उक्तं च पूर्वेषु अध्यायेषु तद्बुद्धौ सन्निधिकृत्य इदम् इति आह तु शब्दौ विशेषनिर्धारणार्थः इदम् एव सम्यग्ज्ञानं साक्षात् मोक्षप्राप्तिः साधनं वासुदेवः सर्वमिति आत्मा एव इदगं सर्वम् एकमेवाद्वितीयम् इत्यादि श्रुतिस्मृतिभ्यः न अन्यत् अथ ये अन्यथा तु विदुरः अन्यजानास्ति क्षयलोकाः भवन्ति इत्यादि श्रुतिभ्यः च ते तुभ्यं गुह्यतमं गोप्यतमं प्रवक्ष्यामि कथयिष्यामि अनसूयवे असूयारहिताय किं तद्ज्ञानं किं विशिष्टं विज्ञानसहितम् अनुभवयुक्तं यद्ज्ञानं ज्ञात्वा प्राप्य मोक्षसे अशुभात् संसारबन्धनात् विद्यराजविद्या विद्यानां राजा दीप्त्यश्यत्वात् दीप्यते हि इयम् अतिशयेन ब्रह्मविद्या सर्वविद्यानां तथा राजगुह्यगुह्यानां राजा पवित्रं पावनम् इदम् उत्तम सर्वेषां पावनानां शुद्धिकारणम् इदं ब्रह्मज्ञानम् उत्कृष्टतमम् अनेकजन्मसहस्रसञ्चितम् अपि धर्म अधर्मादि समूलं कर्मक्षयमात्राद् भस्मीकरोति यः अतः किं यस्य पावनत्वं वक्तव्यम् सो नवे अध्याय का प्रारंभ आठवें अध्याय में जिसने ये पढ़ा कि ओम के उच्चारण करने से उस साधक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है ब्रह्मलोक में बैठकर उस व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान मिलता है और फिर वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है ऐसी मुक्ति को क्रम मुक्ति कहा गया कहीं कोई साधक मुक्ति का अर्थ सिर्फ क्रम मुक्ति ही ना समझे सिर्फ वो ये ना समझे कि अच्छे कर्म करे और अंतिम समय में भगवान का नाम लेकर तर जाएगा कोई यह संशय ना पाले इसको दूर करने के लिए भगवान नौवें अध्याय का प्रारंभ करते हैं कि क्रम मुक्ति से अच्छा जीवन मुक्ति है यही बैठे बैठे व्यक्ति मुक्ति का आनंद ले सकता है ऐसी भी एक विद्या है इसलिए नवा अध्याय प्रारंभ किया
पहले ही श्लोक में बोलते हैं श्री भगवान वाच इदम तुते गुह्यतमम। इदम मतलब ब्रह्म ज्ञानम, इदम मतलब जगत नहीं, इदम तुते, ते मतलब तुभ्यम, संस्कृत में ते मतलब तुभ्यम, तुभ्यम मतलब तेरे लिए। ब्रह्म ज्ञान मैं तेरे लिए प्रवक्ष्यामि कहने जा रहा हूं। क्यों कहने जा रहे हो मैंने तो नहीं पूछा आपसे, बोलते हैं अनुसूयवे। एक ज्ञान घटित होने के लिए व्यक्तित्व में जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण मुझे तुम्हें दिखता है। ये चर्चा हम आप कल कर रहे थे, ये कौन सा गुण है। लेकिन अभी हिंदी ट्रांसलेशन, व्यक्तित्व में ज्ञान घटित होने के लिए कोई गुरु शिष्य को ज्ञान दे, वो तब दे सकता है जब उसके व्यक्तित्व में ये असूया नाम का यह गुण घटित होवे कि उसके चित्त में दोष दृष्टि नहीं है। क्या कहोगे? बोले ज्ञानम विज्ञान सहितम। सिर्फ मैं तुम्हें थ्योरी नहीं बोलूंगा, काल्पनिक ज्ञान नहीं बोलूंगा, फिलोसॉफिकल नॉलेज नहीं होगा, वह ज्ञान विज्ञान में भी परिवर्तित हो जाएगा। अर्जुन, भगवान उससे मिलेगा क्या जो आप बताने जा रहे हैं? मोक्ष से अशुभात, अशुभ से मोक्ष मिल जाएगा। ये बड़ा टेक्निकल टर्म है, कई बार तो विवेक ऐसा ही कहता है कि सब व्यक्ति का अशुभ अलग अलग है। हर व्यक्ति की जो अशुभ की परिभाषा है वो क्या है, अलग अलग है। लेकिन एक शब्द में कहा जाए तो अशुभ क्या होगा, इसकी चर्चा हुई। खैर, पहले यहां से कल मैं पूरा कर रहा था अनुसूयवे। अच्छा, ये बात बीच में रह गई। यह जो ब्रह्म ज्ञान है, जो ये मैं तुमको कहने जा रहा हूं, ये गुह्यतमम है। तो मैंने कल गुह्यतमम आपके सामने रखा। गुह्यतमम ज्ञान वही है जिसको अपनी बुद्धि से जाना न जा सके, कोई आए और वह व्यक्ति उस ज्ञान को बताए और वह ज्ञान मेरी बुद्धि में आ जावे, उस ज्ञान को बोलते हैं गुह्यतमम। जो सीक्रेट नॉलेज है उसकी, उसका चिन्ह ही यही है कि वह बिना किसी के बताए जीवन में नहीं आता। ये इसका लक्षण, ब्रह्म ज्ञान का साक्षात लक्षण है ये, आपसे बताऊं। क्योंकि पुस्तकें सब खुली हैं, किताबें हैं, सीडी हैं, मार्केट पूरी फिलॉसफी से भरी है। आप कोई अच्छी दुकान में जाएं तो आपको लाखों करोड़ों रुपए में किताबें और ये सीडी मिल सकती है। लेकिन क्या उसको पढ़ लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में परिवर्तन आया? सब कुछ तो अवेलेबल है। आप पढ़ लो गीता, महाभारत, उपनिषद, लोग पढ़ ही डालते हैं। यही इस ज्ञान का लक्षण है कि जब तक कोई आकर पीछे से धक्का नहीं देता, वह व्यक्ति उस वाक्य को नहीं बोलता, तब तक मेरी बुद्धि में वह घुसता नहीं। यहां तक कहा गया कि सामान्य ज्ञान भी कोई पढ़ाता है तब व्यक्ति को समझ में आता है। सोचो आप, वो तो एक लौकिक विद्या की बात हो गई। तो ब्रह्म विद्या इदम तुते गुह्यतमम। गुह्यतमम का सबसे अच्छा लक्षण है किसी व्यक्ति के आने से जब वह ज्ञान बोला जाए और मेरी बुद्धि में प्रवेश करे, तो आप समझना वह ज्ञान कैसा है, गुह्यतमम। संक्षेप में कहा जाए, मैं अपनी बुद्धि की चेष्टा से वह ज्ञान नहीं ले सकता। विद्वान बनना अलग है,
और उस ज्ञान को जीना अलग है। अलग अलग दो चीजें हो गई। कहीं रात में ऐसे किसी सज्जन से चर्चा ही मेरी हो रही थी, वो कहना था कि कोई अच्छा वक्ता है लेकिन कुशल वक्ता ज्ञानी है ये कहना जरूरी नहीं है। कुशल वक्ता ज्ञानी भी हो सकता है। जैसे कल बात यहां से चली कि एक वक्ता बहुत अच्छे हैं, मेरा कहना था वक्ता अच्छे हैं लेकिन उनको शासन करना नहीं आता। वक्ता का गुण अलग है और शासन का गुण अलग है। अच्छा ये भी हो सकता है शासन करने वाले को हाँ बोलना नहीं आता, ये भी संभव है। ऐसे भी आपको मिलेंगे निरक्षर अशिक्षित व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए, संभव है, हो सकता है अच्छे से चलाए, देश चलाए, प्रदेश चलाए। तो ये परिभाषा नहीं बैठा सकते कि ये अच्छा वक्ता है तो ये अच्छा क्या होगा, शासक भी होगा, और अच्छा शासक एक अच्छा वक्ता होगा। वो तो फिर भगवान की कृपा ही है जिसमें ये दोनों गुण क्या आ जाए, वक्ता भी हो, शासक भी हो, वक्ता भी हो। ऐसे बात यहाँ पे समाप्त हुई कि संत एक स्वभाव का नाम है, संत एक वक्ता का नाम थोड़ी ना है। यदि वह स्वभाव अच्छा है, हृदय स्पर्शी है, कोमल है, तब आप समझना कि व्यक्ति संत है। तो ऐसा कोई व्यक्ति होवे जीवन में जिसके बोलने से ज्ञान मेरे अंदर प्रवेश कर जाता है, तब समझ लेना कि वो ज्ञान कैसा है, गुह्यतमम। अपनी बुद्धि से वो ज्ञान नहीं आ सकता। तो ये हो गया इदम तुते गुह्यतमम, इतनी पंक्ति हो गई ना। अब ये बात थी अनुसूयवे। अनुसूयवे का अर्थ कह रहा था मैं, यह एक दोष है। उस दोष का नाम है असूया। दोष का नाम क्या है, असूया। ये पड़ी कुर्सी आगे असूया, और इसी का विपरीत एक अर्थ है, उसको बोलते हैं अनसूया। ठीक है ना, दो चीजें हो गई असूया और अनसूया। इसीलिए आपने एक नाम भी सुना अनसूया देवी, अनसूया की गुफा चित्रकूट में। जिसके व्यक्तित्व में, इसको ध्यान से पढ़िएगा, गांठ बांधिएगा क्या कहा जा रहा है। जिसके व्यक्तित्व में यह गुण है कि वह दोष दृष्टि नहीं रखता, बहुत सावधानी से देखना, व्यक्ति में दोष नहीं है ऐसा नहीं है। जरा ये सच्चाई को पकड़, अगर पंच महाभूत का बना हुआ है और यहां पैदा हुआ है तो उसमें दोष तो होगा, ठीक है ना। जो इस समाज में आया है उसमें दोष तो होगा ही होगा, पंच महाभूत होगा तो उसका विकार तो फिर होगा ही होगा। लेकिन एक व्यक्तित्व में, एक ये व्यक्ति के भी एक क्या आ गया कि वो दोष देखता है। आप इसको इंग्लिश में कई बार बोलते हैं निगेटिव थिंकिंग, नकारात्मकता की सोच। ये कैसे बिल्डअप हो गई, ये विचारणीय प्रश्न है। अच्छा इसकी पहचान कर लेना आप। जब मैं किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति को देखता हूं तो मुझे क्या दिखता है। अगर मुझे सबसे पहले कमी दिखती है तो आप समझ लेना कि आप नकारात्मकता, आपको दोष दिखता है। अभी इसका लांछन किसी के ऊपर आप नहीं लगा सकते, आपके अपने व्यक्तित्व का दोष है। लेकिन ये दोष जहां नहीं है, क्या नहीं है, दोष देखने की जो दृष्टि है, एक ध्यान रखना ये एक विजन है,
एक उपलब्धि है एक साधक के लिए कि उसके जीवन में वह दोष को ना देखे। और मैं बताऊं, जीवन बड़ा सरल और सहज हो जाता है जब मैं दोष को क्या कर दूं। और सच्चाई तो ये है, ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर है कि मैं दोष को देखूं और मैं चाहूं तो गुण को देखूं। मैंने इसके पहले कभी आपको उदाहरण दिया होगा, संत वही उसी संत ने मरे हुए कुत्ते में आधे आदमी उसका मांस और आधे आदमी उसका गलत चीजें देख रहे थे, लेकिन वहीं खड़ा हुआ संत उसके दांतों को क्या कर रहा था। अभी तो आपके ऊपर, आप क्या देखते हो? गंदी से गंदी, अपवित्र से अपवित्र चीजों में भी सुंदरता दिख सकती है। या ये सोचने और देखने की बात है, करके देखो आप। ऐसे ही ये व्यक्तित्व का गुण है। अब अर्जुन में यह गुण प्रवेश कर गया। भगवान बोलते हैं, मैं ज्ञान तुमको दे रहा हूं, तुम बड़े एकाग्र हो इसलिए नहीं। और आप इस गीता को ध्यान से पढ़ना, अर्जुन में एकाग्रता पहले से है, शम पहले से है, दम पहले से है, तितिक्षा पहले से है। उसकी एकाग्रता का लेवल देखना आप। विषयांतर वो हुआ ही नहीं है, जो विषय चल रहा था उसी के आसपास घूमता है, तो एकाग्रता तो पहले से ही अच्छी। एक दोष था, और वह दोष यह है कि किसी व्यक्ति को ज्ञान देने से आपको रोक देता है। ये आपके अप्लाइड मीनिंग है। ज्ञान देने की घटना में, ज्ञान प्रदान करने की घटना में ये एक बहुत बड़ा दोष है जब वह ज्ञान देने वाला व्यक्ति देखता है कि इसकी दृष्टि कैसी है, सब दोषों को देखती है, तो वह अपने आप को क्या करता है, रोक लेता है। अरे कल मैं आपसे कह, पिता नहीं देता अपने पुत्रों को, गुरु तो और ब्रह्म ज्ञान की बात ही अलग अलग, पिता ही नहीं देता पुत्र को, रोक लेता है अपने आप को। वो जो सूक्ष्म उसके पास सिद्धांत हैं बताने के, पिता नहीं बताता। आप सोचो, गुरु तो दूर की बात और ब्रह्म ज्ञान तो बड़ी दूर की बात। तो बोले आप क्या कहना चाहते हैं, प्रमाण बुद्धि उत्पन्न हुए, शास्त्र और शास्त्र को बोलने वाला गुरु, कल मैं ये कह रहा था, यदि वह गुरु है तो वह बिना शास्त्र के है तो वह गुरु की संज्ञा नहीं पा सकता, संत की संज्ञा मिल सकती है, गुरु की संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु बिना शास्त्र के हो नहीं सकता। बहुत शास्त्रीय थे, प्रश्न यह है कि सिर्फ विवेकानंद ही उनको एक मिले, उसके अलावा वो किसी के सामने अपना ज्ञान निकाल। और जितना विवेकानंद को आया वो किसके कारण आया, रामकृष्ण परमहंस के। जैसे रमण महर्षि, आता बहुत कुछ था, इन्होंने नहीं निकाला। शंकराचार्य जी ने, आता बहुत कुछ था लेकिन मिले कितने, चार, जो आप फोटो में देखते हैं, चार। इसीलिए तो कहा गया कृष्ण को एक अर्जुन मिले। और कल मैंने दिखाया कि अर्जुन की दोष दृष्टि थी, दूसरे अध्याय से मैंने आपको दिखाया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उसके पहले ही बोलते मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यस्ते हम शादी माम ताम प्रपन्नम न योत्से इति गोविंदम। लो जी, एक तरफ शरणागति भी है, एक तरफ कहते हैं आप जो कह रहे हो वो तो अच्छा है लेकिन मैं करूंगा कुछ नहीं। ये दूसरा अध्याय। तीसरा अध्याय, आप जो कह रहे हैं उसके कारण मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। ये तीसरा और चौथा अध्याय में देखना, जरा जो बोलिए वो सोच विचार के बोलिए। किससे बोल रहा है, अपने गुरु से बोल रहा है। निश्चित आपके कारण मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, ये तो प्रमाण बुद्धि नहीं है। तीसरा चौथा अध्याय सही चला गया। पांचवें अध्याय में भी मैंने आपको दो, छठे अध्याय से कहीं, कल ध्यान रखना, छठे अध्याय के बाद ही तत्पद की व्याख्या है, ईश्वर की व्याख्या छठे अध्याय के बाद है।
और नौवें अध्याय तक आते आते उसकी प्रमाण बुद्धि क्या हो गई, बन गई। अभी जो नए लोग हैं वो समझे प्रमाण मतलब मैं कहीं जनरली प्रमाण मतलब कोर्ट कचहरी वाला समझते हैं प्रमाण। प्रमाण मतलब ये कल मैं कह रहा था कि देखने के लिए प्रमाण नेत्र है। इसका मतलब अगर देखना है तो सिर्फ और सिर्फ साधन क्या है, नेत्र। फिर कान से नहीं हो सकता, मुंह से नहीं हो सकता। सुनना है तो प्रमाण कौन है, कान। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, इसके अलावा किसी से सुन नहीं सकते कान के अलावा। रस लेना है तो रस का प्रमाण जीभ है, इसको बोलते हैं प्रमाण, एग्जैक्ट एन एरर फ्री। एग्जैक्ट होवे और एरर फ्री होवे, दोष नहीं हो। शास्त्र और वह गुरु के प्रति उसके मन में प्रमाण बुद्धि का उदय हो गया होवे। देखो जी, जैसे ही यह उदय होता है वैसे ही वह गुरु बिना पूछे शिष्य को ज्ञान रखने की, ज्ञान देने की कोशिश करता है। और ये घटना यहां घटित हुई। अनुसूयवे, मैं तुमको कहना जा रहा हूं अर्जुन, क्योंकि मैंने देखा कि तुम्हारे जीवन में दोष दृष्टि खत्म हो चुकी है, अब तुम किसी में दोष नहीं देखते हो। तो दोष ज्ञान देने वाले में या शास्त्र में देखा जाए, आप सोचो। अब चलो व्यक्ति को हटाओ, आप शास्त्र के प्रति, आपको समाज में मिलेंगे, बोले मैंने करीबन 200 नॉवेल पढ़ डाले, 20 ये पढ़ डाली, और इस बार तो अब गीता का नंबर लगाया है, ये 10 दिन में भी हम क्या कर देंगे इसको भी, क्या ये प्रमाण बुद्धि है? बोले 40-50 राइटर को पढ़ डाला, 10 ऐसा हिंदी पढ़ा, एक ही गीता भी पढ़ रहा हूं, इसको भी महाभारत को भी देख लेंगे, खत्म। अब ये क्या प्रमाण बुद्धि है? जब शास्त्र के प्रति प्रमाण बुद्धि ही नहीं है तो आप सोचो शास्त्र ज्ञान कहां से देगा। शास्त्र अपने को कभी नहीं खोलता है, याद रखना, और आप इसको करके देखना। यही श्लोक आपको अर्थ खोलने लगेंगे, एक एक श्लोक, यदि आपकी इसमें क्या बन जाए, प्रमाण बुद्धि। तो आप इसको पवित्रता से उठाते हैं, पवित्रता से रखते हैं, आदर बुद्धि देते हैं, तो ये शास्त्र अपने आप को धीरे धीरे अपने अर्थ को क्या करते हैं, खुलने लगते हैं। ये है, हो गया। तो कुल मिलाकर मैं आपसे कहूं, जीवन में इस गुण को पनपाने की आवश्यकता है। कौन सी? इससे आपका व्यवहारिक जो जगत गड़बड़ हो रहा है, हर जगह जो मैं गलत गलत देखकर अपने आप को निगेटिव हो रहा हूं, भाई आपके गलत देखने से क्या दूसरा वाला सुधर गया? वो तो वहीं का वहीं रहा, दिमाग किसका गड़बड़ हो गया? गलत बोलने वाला व्यक्ति बोल गया गलत और बोल के चला गया, दिमाग किसका खराब होता है? वो तो बोल गया कचड़ा, और दोषी कौन है? बोलने वाला नहीं, याद रखना। बोले जिसने ये सुना, जिसने ये अनुभूति की, गड़बड़ वो है। अब ये आप अभियान लो कचड़ा सफाई अभियान की, मैं सबको साफ कर दूंगा, तो ये तो हो नहीं सकता। मैं अपने आप को प्रोटेक्टेड करके रखता हूं, मैं अपनी श्रद्धा, मैं अपनी निष्ठा, मैं अपने वैल्यू सिस्टम, मैं उसमें किसी से छेड़छाड़ नहीं करने देता। ये हमारे हाथ में है, ये हाथ में नहीं कि मैं दूसरे वाले को हटा दूं। देखो जी, ये हटाने का काम आपने किया तो आपकी आदि शक्ति क्या हो गई, व्यय हो जाएगी। उसको उसको करने दो जो करता है, आप तो अपना काम करो। अर्जुन, मैं तुमको यह ज्ञान देने जा रहा हूं, क्यों? क्योंकि तुम में एक अच्छा गुण आ गया,
तुम्हारे जीवन में दोष दृष्टि क्या हो गई, चली गई। अच्छा, अब ज्ञानम विज्ञान सहितम, ये बड़ा सुंदर, जो ज्ञान मैंने सुना, देखो वो सिर्फ ज्ञान है, लेकिन जब वह ज्ञान अनुभव में आ जावे तो वह ज्ञान क्या कहलाएगा, विज्ञान। जनरली व्यक्ति नॉलेजेबल बन गया, या आप ऐसा कह ले कभी कभी डिक्शनरी बन गया, ये अध्याय यहां है, वो अध्याय यहां है, ये श्लोक यहां है, वो श्लोक वहां है, इसका ये अर्थ है, फलाना दिमाग पूरी याद। अच्छा, आपके जीवन में क्या है? फिर कहता हूं तो वो तो सीडी प्लेयर भी बोलती है, आप जिंदा है वो मुर्दा है, बच्चे को रटा दो वो बोलेगा, व्यवहार में आपके कितना घटित हुआ, वह जो ज्ञान है वो अनुभव में आया या नहीं। इसलिए शब्द ही क्या बनाया गया पता है, अनुभव। अनु मतलब बाद, भव मतलब होता है, जो ज्ञान के पश्चात होता है उसी को क्या बोलते हैं, अनुभव। तो अनुभव के लिए ज्ञान जरूरी है, लेकिन ज्ञान कहीं सिर्फ ज्ञान ही न रह जावे, ज्ञान कहीं सो कॉल्ड एक इंटेलेक्चुअल कहने के लिए ना रह जाए, वो आपके जीवन में क्या होवे, घटित हुए। तो विज्ञान का अर्थ क्या हुआ, अनुभव सहित ज्ञानम। अच्छा, अनुभव कब, मरने के बाद? भाई देखो, आप स्वर्ग है, यह क्या है, ये ज्ञान है। अब इसका अनुभव, तो ये एक ऐसा ज्ञान है जिसका अनुभव जीते जी नहीं हो सकता। ज्ञान के साथ भी देखना शरत, ऐसा ज्ञान जिसका अनुभव हो सकता है लेकिन आपके जीते जी नहीं होगा, नरक है, ये ज्ञान है लेकिन अनुभव नहीं हो सकता। हो सकता है कब, जब आप ये देह को क्या कर दें, छोड़ दें। ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए जो मैं यहां पर अनुभव नहीं कर सकता, वह ज्ञान चाहिए जिसको मैं जीते जी यहीं पर क्या कर लूं, अनुभव कर लूं, वो ज्ञान। इसलिए बोलते हैं ज्ञानम, ज्ञानम ही नहीं विज्ञानम हो गया। इस ज्ञान को यदि किसी ने सुन लिया, सही से सुना, तो आपसे ये बताऊं कि वह उसके विज्ञान व उसके व्यवहार में अपने आप घटित हो गया। यहां करने की चीज नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए भगवान ने एक शब्द बहुत ध्यान से देखना है, ये गांठ ये खुलती, यज ज्ञात्वा, ये शब्द देखना, मैंने इस पे विद्वानों को सुना है, यज ज्ञात्वा पे 5-5, 6-6 दिन सिर्फ इसी पे, यज ज्ञात्वा पे ही। यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, इसका हिंदी अर्थ क्या करेंगे, इतना का, यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, जिसको जान लेने पर, यज ज्ञात्वा जिसको जान लेने पर मोक्ष से अशुभात, मोक्ष से क्या हो गया, या अशुभ से क्या हो गया, मोक्ष, इतनी हो गई। लेकिन ध्यान रखना, ये नहीं बोला गया जिसको कर लेने पर, ये नहीं बोला, जिसकी अर्चना कर लेने पर ये नहीं बोला गया, जिसकी उपासना कर लेने पर ये नहीं बोला गया। सिया राम मैं सब जग करनी जानी, वहां भी शब्द क्या, जानी, ये जानना करने से महत्वपूर्ण है। समय करने में नहीं लगता, समय किस में है, और ये जानना ही दोषपूर्ण होता है व्यक्ति का, क्योंकि जान सकता ही नहीं ठीक से। किसी और एक
फिलोसोफर्स को मैं सुन रहा था, वो ये कहता है कि जब मैं किसी चीज को जानता हूं तो क्या उस चीज को जानता हूं जिसको मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं? उसका चिंतन देखो आप क्या कहे, क्या मैं जिस चीज को जानता हूं, जिस चीज को जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मैं उसी को जानता हूं? मैं वो जानने की कोशिश करता हूं जो मेरे मन में है। मैं वह रंग देखना पसंद नहीं करता जो वहां पर है, मैं वह रंग देखना पसंद करता हूं जो मेरी बुद्धि में है। इसको जरा बड़ा करना। मैं वो देखना चाहता हूं जो मुझे पसंद है, मैं वो नहीं देखता जो वहां पर है। ज्यादातर ज्ञान वह ज्ञान है जो वह है वो मुझे नहीं पता। मुझे मेरी बुद्धि ने जो दिखाया और जैसी मेरी टेंडेंसी है, जैसे मेरा नेचर है, मैंने वैसे उस चीज को क्या किया, जाना। रस्सी को सर्प ही क्यों जाना? ध्यान रखना, ये हिंदुस्तानी ही व्यक्ति है जो रस्सी को सर्प मानता है। विदेश में वो उसको क्या मानेगा, पाइप। यहां आदमी पैसे फेंक देता है, वहां वो सर्प नहीं, वो रस्सी जिसको हम कहते हैं वो क्या मानेगा, पाइप है या कुछ छेद है या होल है। अब सबने मानने के कारण क्या अंतर है, सबकी टेंडेंसी, सबके स्वभाव, सबका वाह्य वातावरण, सबकी देखने की दृष्टि। फिर से इस चिंतन को देखना, मैं वो जानने की कोशिश नहीं करता हूं जो वो है, मैं वो जानने की कोशिश करता हूं जो मैं चाहता हूं। मुझ में यदि वो चीज है तो मैं दूसरे में भी वही चीज देखना पसंद करता हूं, और मुझको वो चीज पसंद नहीं है तो फिर भाई आपको तीखा नहीं अच्छा लगता तो अब हर जगह आप खाने में क्या तलाश करेंगे, क्योंकि आपको नहीं अच्छा लगता इसलिए आपको हर जगह वही। अच्छा, जिसको तीखा अच्छा लगता है वो, लेकिन वो खाना स्वयं में कैसा है ये नहीं पता किसी को। हम अपनी दोष, अपनी जीव, अपना रस, एक ऐसा ज्ञान करने की कोशिश करें जिसमें मेरे त्रिगुणों का कोई खेल नहीं हो। मेरे त्रिगुणों का ज्ञान को प्रभावित करने वाले ये त्रिगुण हैं, सत्व, रज और तम। इसका चश्मा पहनकर मैं लोगों को देखता हूं। इस चश्मे को हटाकर अगर देखोगे आप तो पाएंगे कि वो जो इधर है वही इधर है, जो इधर है वही इधर है। लेकिन ये कब, जब ये त्रिगुणों का चश्मा क्या हो जाए, हट जाए, वह रंग देखने की कोशिश की जाए जो उसका एक्चुअल रंग है। साइंस भी यही कहती है, जो रंग हम वहां देख रहे हैं वो वहां पर है नहीं। वाह, यही अध्यात्म कह रहा है, जो रंग हम वहां देख रहे हैं वो रंग वहां पर है नहीं। तो सिद्धांत को देखना, बात सही है। हम व्यक्ति को भी देखते हैं तो हम अपने गुण दोष के अनुसार किसको देखते हैं, उस व्यक्ति वो कैसा है, कभी ये जानने की कोशिश करो। इसीलिए प्यार की घटना घटित नहीं हो पाती, क्योंकि जो जैसा है हम उसको वैसा स्वीकार करना नहीं चाहते। हम उसको तब स्वीकार करना चाहते हैं जब वो मेरे रंग और कलेवर में रंगा हुआ हो। तो यदि नहीं है तो मैं रंगना कोशिश करता हूं, और रंगने में हमारा जो समय है वो ऊर्जा क्या हो गई, और पता नहीं कि वो रंग चढ़ा कि नहीं चढ़ा। इसलिए रहीम और कबीर ने बोला कि ये जितने रंग हैं ये सब कैसे हैं, हल्के हैं, ये चढ़ते नहीं है। उसका जो रंग है वो एक बार रंग गया तो फिर निकलता नहीं है। मैं वो देखने की कोशिश करूं जो वो है,
अपने रंग के अनुसार उसको मत देखूं। आप ट्राई करना कभी किसी व्यक्ति में, मैं जो चाहता हूं वो छोड़ दो, मुझे नहीं अच्छा लगता, आप अपने आप को शून्य कर और फिर दूसरे वाले को देखो, तो आपको ये समझ में आएगा ये क्या है और ये क्या, अब ये क्या खराब है क्या अच्छा है, वो तो बहुत सब्जेक्टिव है कि कैसे कह दे, लेकिन मैं तो अभी इतना ही कह रहा हूं जो वो है वो देखने की कोशिश की जाए, वो ना देखो जो आप चाहते। यज्ञात्वा, जिसको जान लेने पर, यहां जान लेना ही प्राप्ति है। एक स्त्री थी, उसका कंठाहार खो गया, कंठाहार मतलब कंठ का हार। अब उसको जब पता लग गया कि कंठाहार ये है, तो जानने में और प्राप्ति में कितनी देरी लगी? ये दृष्टांत समझ में आया क्या कहा जा रहा है? एक स्त्री का कंठ का हार खो गया और वो मिल गया, पता लग गया। तो जब पता लग गया तो उसको ज्ञान हुआ, तो अब अनुभव बाद में होगा कि जैसे ही ज्ञान हुआ वैसे ही उसका क्या हो गया? मतलब ज्ञान और प्राप्ति दोनों एक साथ हुई कि अलग अलग हुई? जैसे ही ये पता लगा कि यहां है वैसे ही उसकी क्या हो गई? प्राप्ति भी हो गई। यह वह नहीं है कि ज्ञान तो हो गया प्राप्ति बाद में हो गई। जैसे आभूषण पता लगा कि यहां है वैसे ही उस आभूषण की क्या हो गई? प्राप्ति। ऐसे ही ये ज्ञान लिया और जैसे आपने ठीक से, बस ये शर्त घटित तो हुए, लेकिन क्या चीज? जान लिया, जानी, यज्ञात्वा। और आप गीता में अंडरलाइन करना कितनी बार यज्ञात्वा आया है, कृत्वा कभी नहीं आएगा। बार बार भगवान क्या बोलेंगे? ज्ञान। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, बट ये जानना आसान नहीं है, क्योंकि हम वो जानना नहीं चाहते जो वो है, हम वो देखना नहीं चाहते जो वो है, इतना हमारी दृष्टि है इस ऐसी देखने की कि मैं उसको देखूं कि वो क्या है। इसलिए भगवान बोलते हैं यज्ञात्वा, डॉक्टर अगर रोग को समझ जाए तो रोग का इलाज क्या हो गया? आसान है फिर तो। लेकिन आपको पता है टाइम किस में लगता है? बहुत सारी जांचें करता है, टाइम उसमें लगता है, टाइम आपको लिटाल कर देखने में होता है। लेकिन अगर पता लग गया कि ये है तो फिर तो इलाज उसका हो गया, तो वहां भी उसने समय किस में लिया? जानने में। हमारे और आपके साथ यही घटना घटित है कि हम करने के मूड में हैं, और आम जनरल साधक को यही एक साधना चाहिए, कुछ करने को बताओ आप, ये कर लो। अगर मैं भी कहूं कि ऐसा करो शनिचर के दिन चार दीपक ऐसा डालना, और जब चार दीपक जलाना तो उसके मुख की चार बाती होनी चाहिए, दूसरे दीपक की छह बाती होनी चाहिए, तीसरे की सात और चौथे की नौ बाती होए, उत्तर दिशा में चार चक्कर पीपल के लगाकर फिर अपने पीछे चावल को फेंक देना, सब ठीक। आप इस व्यक्ति को आप देखो, नहीं इंतजार करता सैटरडे का, कब आएगा, कब करूंगा, बाती लगाऊंगा, पीपल की परिक्रमा को, फिर किस में विश्वास हो गया? ये चीज में उल्टा सीधा करे, ऐसा करने में विश्वास है। और वो कभी कभी वो कहता भी है कि वो महात्मा ही ठीक नहीं मानता अगर आप बता ना पाओ। आपको बोले आता क्या, ये तो सबको पता है गीता महाभारत, तो आप ऐसी चीज बताओ जिससे धन की प्राप्ति हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए। भैया वो तो आता ही नहीं, आता होता तो साधु ही क्यों बनता आदमी, सोचो आप, वो होता तो हम भी वही करते। नहीं नहीं, उसका विश्वास करने में है, जानने में है ही नहीं। जबकि गीता बार बार क्या बोले? यज्ञात्वा। अर्जुन जान लो, कब जानोगे?
जब तुम्हारे जीवन में ये दो घटनाएं घटित हों, पहला गुह्यतमम, कोई एक व्यक्ति आए और वो तुमको क्या करे, जनवाने की कोशिश करे, दूसरा जानने की घटना घटित तब होगी जब अनसूयवे होवे, तब ये जाके दूसरी लाइन घटी, यज्ञात्वा, जिसको जान लेने पर क्या हो गया, मोक्ष से अशुभ, अशुभ से क्या मिल गया, छुटकारा। और बड़ा सुंदर यहां परिभाषा दी गई, बोले ये अशुभ क्या है, तो अब क्या कहोगे, अशुभ सबसे बड़ा, अपने आप को जीव मानना से बड़ा कोई अशुभ नहीं है, ये आध्यात्मिक है। अपने आप को मरने और पैदा होने मानना, इससे बड़ा कुछ अशुभ नहीं हो सकता। और ये मान लिया तो अशुभों की शुरुआत क्या कर दी आपने, तो जीवन भर अशुभ घटित होगा। भाष्यकार क्या बोलते हैं, हम अंडरलाइन कर लेना, फिर देखते हैं धीरे धीरे इसको देखेंगे। अशुभा, उसका अर्थ क्या किया शंकराचार्य जी ने, संसार बंधनात्। देखो जी, यह जो संसरण की अनुभूति है, ध्यान रखना मैंने शब्द क्या यूज किया, संसरण। संसरण मतलब यह है कि मैं अपने अस्तित्व को कूटस्थ अनुभूति नहीं करता, थोड़ा कठिन है, मुझे लगता है कि मेरा एग्जिस्टेंस फ्लो हो रहा है, अभी ये हूं कभी ये हूं कभी ये हूं कभी बहता 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 बहता। अगर कोई ऐसा समझता है और उसका ये ज्ञान है, तो भगवान बोलते हैं फिर तो अशुभों की क्या है, आपके पास में खान है। और सरल बोल देता हूं, लिटरली है, अस्तित्व में व्यक्तित्व की अनुभूति अशुभ है, एग्जिस्टेंस में कोई पर्सनालिटी को क्रिएट करना अशुभ है। सोच के देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सिर्फ अस्तित्व और उसमें किसी व्यक्तित्व को क्या कर दिया, अस्तित्व है मतलब है, व्यक्तित्व है मतलब गंदा है, अच्छा है, लाल है, पीला है, ये क्या आ गया, व्यक्तित्व। ये व्यक्तित्व जुड़ा किसमें, अशुभ की घटनाएं घटित होंगी, खट्टा मीठा स्वाद आएगा। सिर्फ अस्तित्व की अनुभूति होवे, इससे बड़ा कुछ शुभ नहीं है। अर्जुन, ये ज्ञान यदि मिल गया और जीवन में आ गया, तो ये जो तुमने अस्तित्व में व्यक्तित्व को मिला दिया कि मैं आत्मा और आत्मा के बाद मैं क्षत्रिय और क्षत्रिय के बाद मैं तो जरूर बदला लूंगा, मैं युद्ध करूंगा, या मैं तो इतना बड़ा साधक हूं, ये सब तुम्हारे मन से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। देखो जी, जिसमें ये अनुभूति है, और सरल बोले जीव जो समझता है वो दुख तो पाएगा, जीवत्व ही सबसे बड़ा बंधन है, इसी जीवत्व से मैं तुमको छुटकारा दिलाता हूं अर्जुन। देखो जी, अब यहां अशुभ मतलब कुछ नहीं कि जो हम लोग टोना टुटका करेंगे, जीवन की सबसे बड़ी अशुभ घटना है कि मैंने अपने अस्तित्व में उस व्यक्तित्व को क्या कर दिया, मिला दिया। अर्जुन, मैं तुमको उससे आजाद कराता हूं, चलो, और जो नॉलेज में तुमको देने जा रहा हूं, दैट कॉल इज राज विद्या। क्या बोलते हैं उसको, राज। ये अर्थ मत करना कि जो राजाओं की विद्या है, ये अर्थ नहीं है, जो विद्याओं की राजा है
बोले अब ये कहां से एक नया टर्म है, विद्याओं की राजा। सो यू नो फर्स्टली यू नो द मीनिंग ऑफ विद्या, फिर तो राजा की बात की जाए। विद्या का अर्थ क्या, तो विद्या की परिभाषा क्या दी गई, सा विद्या या विमुक्त है, या विद्या सा विमुक्त है। विद्या वह है जो व्यक्ति को मुक्त कराती है, इतना सा, इतनी परिभाषा है। यदि आपको खाना बनाने की विद्या आती है तो आप मुक्त हो गए ना किस चीज से। अब आपको भूख लगेगी तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको वो विद्या। आपको कार चलानी आती है तो अब आप किसी पर निर्भर रहेंगे, तो इस विद्या ने आपको आजाद कर। विद्या वही है जो आपको छोटा छोटी चीजों से क्या करती है, आजाद करा देती है। हर विद्या का फल है, ध्यान रखना। राजनीति शास्त्र का ज्ञान है आपको राज्य का ज्ञान होगा, अर्थशास्त्र का ज्ञान है तो आप गरीबी और कंगाली से क्या हो गए। विद्या वही है जो आपको मुक्त कराए, इसको घटित करके देखना जितनी विद्या है, मैं आपसे कह रहा हूं। अब दुनिया की दृष्टि में सबसे अच्छी विद्या क्या है, भाई? आज हर आदमी ये चाहता है कि मेरा लड़का लड़की इंजीनियर। आपसे बताऊं इतना ये, अब उनके साथ रहने के कारण और अनुभूति, ये पेरेंट इतना अत्याचार करते हैं उन लोगों के ऊपर। वो पढ़ना चाहता है या पढ़ना चाहती है, एमबीए करना चाहे, बट पेरेंट साफ बोलते हैं मैंने बी में 6 लाख रुपए लगाया है, अब कंपनी आ रही है, कंपनी में करो, 10,000 की भी सैलरी मिले तो बोले घर में आना कुछ पैसा, तो किस लिए पढ़ाया, सैलरी। मतलब जितना सब कुछ है सबका निचोड़ किससे आप देख रहे हो, पैसा आया तो ठीक है, नहीं आया तो सब गड़बड़ है। हो सकता उससे पूछो कि वो चाहता है कि नहीं चाहता। अब आप जोर जबरदस्ती अगर किसी से करेंगे तो वो सफर कितने दिन तक चलेगा, फिर वो नए रास्ते वो लोग क्या करते हैं, अख्तियार करते हैं। पैसे ही चाहिए, लो जी पैसे लाने के तो बहुत सारे साधन है। बोले ये पैदा हम ही आपने किया है जबरदस्ती इनके ऊपर, कभी उनसे फ्री होके पूछना चाहिए तुम क्या चाहते हो। आप देखना बड़ी अच्छी अच्छी फील्ड बताते हैं, अब उनकी रुचि का क्षेत्र अलग है और उन पर थोपा गया कुछ और है। अच्छा थोपा क्यों हमने, पैसा। अब अर्थशास्त्र या ये कह दे ये कॉमर्शियल विद्या इतनी महत्वपूर्ण है क्यों और किसके लिए, इसका मतलब जिसके पास धन का अभाव है उसी के लिए धन क्या हो गया ये इतना। लेकिन आप कोई बहुत बड़े आदमी से बोलो कि मैं बी हूं, उसके लिए बी ऐसे ही मानो जैसे कि गार्डनर एंड स्वीपर, बाहर है पूरी। और अभी आप बोलो मैकेनिकल से हूं तो आपको भाव ही नहीं देता, मैकेनिकल है उसमें नहीं हुआ होगा इसलिए आप मैकेनिकल में आए। लो जी उसने इसको किस चीज से नापा, मैकेनिकल को कम क्यों करके आका, पैसा। क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक में पैसा है मैकेनिकल में नहीं है, इसलिए वो विद्या क्या हो गई। मतलब विद्या का लेना देना हमने एक चीज से जोड़ दिया, धन। इसका मतलब जो पहले से भिखमंगता है, धन का प्यासा है, वही ये सबको क्या करेगा। जो अच्छा विद्वान है वो कभी इन सब चीज को जज नहीं करता, वो जिस भी विद्या में है वो अपने आप में श्रेष्ठ है। धन का अभाव है इसलिए व्यक्ति धन को क्या मान रहा है, श्रेष्ठ।
जिस दिन उसको ये लगेगा कि वैल्यू सिस्टम में अभाव आ रहा है ना, उस दिन धन से ज्यादा वैल्यू करेगा किसकी, वैल्यू की। जिस दिन उसको ये वैल्यू हो गई कि समाज में वैल्यू गायब हो रही है, मुझे धन से ज्यादा क्या चाहिए कि ये अच्छे रहे, ये जिस दिन समाज का बदल गया चेहरा, उस दिन ये सब हमारी परिभाषाएं क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। वरना धन के बाद भी, धन होने के बाद भी व्यक्ति वैल्यूबल नहीं है। मान लो वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अर्निंग कर रहा है, बट कैरेक्टरलेस है, करप्ट है, झूठा है, अब आप उस व्यक्ति के साथ रहो, कब तक रहोगे आप? धनवान तो दिया गया। और देखो आप, जब हम अपने यहां रिश्ते चुनते हैं तो धनवान के साथ हम ये भी देखते हैं कि इस व्यक्ति की जो बैकग्राउंड है वो कैसी होनी चाहिए। क्यों बैकग्राउंड देखी है आपने? क्योंकि हमें पता है जीवन भर बिताना है, सिर्फ धन से थोड़ी ना काम चलेगा, इसके माँ बाप कैसे हैं, इसके संस्कार कैसे, तो वैल्यू सिस्टम आप देख रहे हैं। ये हमारे पूर्वजों का ज्ञान था, सोचो आप। अरे जो विद्या आपको इस संसार से पार कर दे, छोटी छोटी नहीं, धन की विद्या तो धन से ही पार लगाएगी, भौतिक शास्त्र भौतिक से ही करेगा, रसायन रसायन, ये पूरे संसार को से जो पार लगा दे, वो आखिर विद्याओं की क्या होगी, वो सोचो आप। राज विद्या कहा है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।